जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित हैं सीआईएसएफ यूनिट बीसीसीएल कोयला नगर धनबाद में, और डेट की अगर बात करें तो आज 6 मई है और रनिंग जो है कंप्लीट हो गया दोनों शिफ्ट का, दोनों राउंड का। आप लोग रनिंग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। मेरे साथ एक कैंडिडेट हैं जो कि अभी फिजिकल देकर आ रहे हैं अंदर से, और किसी कारण से इनको रिजेक्शन मिला है। तो इनसे हम जानेंगे कि इनका चेस्ट मेजरमेंट और हाइट किस तरह से हुआ है वो बताइए, क्योंकि धनबाद में बहुत शिकायत आया था कि चेस्ट मेजरमेंट बहुत अच्छे से नहीं नापा जा रहा है। तो इनसे ही हम जानेंगे कि चेस्ट मेजरमेंट और हाइट कैसे हुआ है। तो सबसे उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो भी कैंडिडेट एसएसबी, कांस्टेबल, ड्राइवर और वेटनरी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। चक्षु प्रकाशन की तरफ से एक नई बुक जो है लॉन्च हो चुकी है। इस बुक की अगर खासियत की बात करें तो इस बुक में आप लोगों को 2400 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को इस बुक में देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आप वहां पे जाके फ्लिपकार्ट, अमेजोन से इसे आप जाके परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और कहां से आया? जी, मेरा नाम रुपेश कुमार है, मैं धनबाद का ही हूँ। धनबाद का ही है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप अंदर से फिजिकल लेकर आ रहे हैं? यस। अच्छा, तो अभी क्या चीज़ में आपको बाहर किया गया? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ अंदर जाने के बाद, हाँ, सबसे पहले सर बोलते हैं कि जिसका जिसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ, केवल अपना ये एडमिट कार्ड लेके आइए, हाँ, और कुछ फॉर्म भरना होता है, हाँ, ये बायोमेट्रिक देना पड़ता है, हाँ, बायोमेट्रिक देने के बाद सीधा आपको आगे जाना पड़ता है जहाँ आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। चेस्ट नंबर तो आपको शुरू में ही दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको टेबल नंबर के अनुसार बैठना पड़ेगा। अच्छा, तो पहले हाइट नहीं ले रहे हैं? हाइट और कुछ नहीं ले रहे? नहीं, पहले हाइट चेस्ट, पहले रनिंग ही करा, पहले रनिंग हो जा रहा है। अच्छा, सर का कहना है कि अगर पहले हम हाइट और चेस्ट नापेंगे तो जिसके कारण धूप काफी ज्यादा बढ़ जा रही है, जिसके कारण काफी समस्याएं आ रही है, इसलिए पहले रनिंग करवा दिया जा रहा है, उसके बाद हाइट चेस्ट नापा, उसके बाद हाइट और चेस्ट नापा जा रहा है। अच्छा अच्छा, और आपका हाइट और चेस्ट कितना नापा गया आज? जी, मेरा हाइट ऐसे 178 आया था। 178 आया आज का? हाँ। अच्छा, और चेस्ट? चेस्ट आया नॉर्मल 92, एक्सपेंड करके 98। अच्छा, और इससे पहले आपका कितना हाइट और चेस्ट था? कोई किसी और भर्ती में जो गए थे? इससे पहले हम कभी एसएससी जीडी में ही आए हैं। हाँ। मेरा हाइट लगभग इतना ही था। उतना ही था। और चेस्ट कितना था आपका? चेस्ट इससे पहले हम कभी नहीं नपाए। चेस्ट नपा नहीं है? नहीं, घर पे नपवाते थे तो नॉर्मल इतना ही, इससे कम ही आता था, क्योंकि घर पे आता था, घर में, घर में वही मेरा 90-88 स्टाफ का आता था, क्योंकि वहाँ पर हम लोग का नापने का तरीका सही नहीं था। अच्छा अच्छा, एक्सपीरियंस नहीं थे तो हमको लगा कि सर, यहाँ के जो सर ऑफिशियल हैं उनका नापने का तरीका बहुत अच्छा था। अच्छा। और जो बातें हम सुने थे कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है ऐसा कुछ बात नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से नहीं, जो स्टार्टिंग का दो दिन था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, वहाँ पे बहुत लोग जो है चेस्ट में छट भी गए। हाँ, सर का कहना था कि अब दौड़ के बाद ही होगा ये चेस्ट और हाइट का मेजरमेंट, पहले लोगों को दौड़ा दिया जा रहा है। मेजरमेंट के बारे में क्या कहेंगे, जो आपका हाइट और चेस्ट नापा गया उससे आप संतुष्ट हैं या फिर किसी तरह कोई दिक्कत है आपको? नहीं, मेजरमेंट के बाद हम यही कहना चाहते हैं कि हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं, क्योंकि जिस लड़के का जितना आया था परफेक्ट उतना ही दिया गया है। हाँ, और बहुत सारे लोग क्लेम किए थे पहले दो दिन में कि बहुत सारे लोग चेस्ट में छट गए थे, उनका कहना था कि मेजरमेंट सही नहीं हो रहा, किसी कारण से उनको छाट दिया रहा है। तो बहुत कैंडिडेट जो थे फर्स्ट डे और सेकंड डे में छटे थे यहाँ से ऐसे कैंप से ही, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, हो सकता है कि किन्हीं लोगों का प्रॉब्लम आया होगा। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं हुआ था, बहुत इत्मीनान से नापा गया। और जो चेस्ट का मेजरमेंट था ठीक निपल के नीचे से लिया गया, जो कि परफेक्ट था। निपल से, निपल कितने नीचे से लिया गया? ठीक नीचे से, एक उंगली। हाँ, एक उंगली। और बाकी हाइट तो सब पता ही है, हाइट भी बहुत अच्छा मेजरमेंट किया गया। अच्छा, ये होता है कि जल्दबाजी में कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ने सर दोबारा आके चेक कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे टाइम दिया जा रहा हाइट और चेस्ट के लिए? जो भी लोग अपील कर रहे हैं कि मेरा हाइट जैसे कि कम है तो थोड़ा सा एक बार और चांस दे दें। नहीं, अभी तक तो फिलहाल आज हम देखें कोई लड़का ऐसा अपील नहीं किया। अच्छा, अपील नहीं किया आज? अपील वाला एक भी हम नहीं देखे। हो सकता है हुआ होगा, लेकिन मेरे टेबल में ऐसा नहीं था। नहीं हुआ। एक टेबल में कितने लोग थे? हमारे टेबल में अंदाजा नहीं लिया, 50-55 के आसपास था। लेकिन कितने कैंडिडेट प्रेजेंट थे आज रनिंग के लिए? जी, मेरा सेकंड राउंड में दौड़ था, जिसमें हम 96 नंबर पे थे। अच्छा, और उसके बाद लगभग 30 कैंडिडेट और थे। और थे, मतलब 130 कैंडिडेट आए थे। 130 कैंडिडेट के आसपास होगा। अच्छा, एक फर्स्ट राउंड, आप कौन सा राउंड में दौड़े थे? सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में 130 कैंडिडेट ना, तो सेकंड फर्स्ट राउंड का भी डाटा मिल जाएगा आपको, एक समय आने पे आपको मिल जाएगा, शाम तक आपको वो अपडेट भी मिल जाएगा। बाकी कुछ कहना चाहेंगे जो भी कैंडिडेट फिजिकल देने आने वाले हैं धनबाद में, क्योंकि धनबाद आने वाले बहुत लोग जो है डर गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का वीडियो देख लिए हैं वो लोग, और बहुत लोग जो चेस्ट में छट रहे थे, हाइट में छट रहे थे, इसके कारण बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है कि थोड़ा सा डर गए हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे, उनको कुछ मोटिवेट करना? मैं अपने सभी भाई और बहनों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपके मन में कोई भी डर नहीं रखें। यहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लेम कर सकते हैं, और आप इत्मीनान से दौड़िए, क्योंकि ट्रैक बहुत अच्छा है। ये ट्रैक इस तरह बनाया गया ताकि किसी को परेशानी ना हो, थोड़ा अप और डाउन तो सब जगह होता है, लेकिन यहाँ का ट्रैक अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रैक मैंने देखा है। अच्छा अच्छा, चलिए, थैंक यू, और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
तो देखिए ये अपडेट था धनबाद का, जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल बेफिक्र होकर आइए, अच्छे से हाइट और चेस्ट दोनों नापा जा रहा है, आइए अच्छे से फिजिकल लीजिए और पास होकर यहाँ से जाइए। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।